सभी दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अंत ही आरंभ है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है, और जिसका उदय होता है उसका अस्त होना तय है, ताकि फिर उदय हो सके। जी हाँ, लोगों के अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय करने वाले सूरज को भी अस्त होना पड़ता है, ताकि अगले दिन की सुबह लोग देख सके। ठीक इसी तरह एक दिन धरती का विनाश तय है, ताकि उस विनाश के बाद एक नई दुनिया का जन्म हो सके। यूँ तो देखिए, इस संसार की रचना से लेकर विनाश का उल्लेख धर्म ग्रंथों में है, लेकिन वक्त वक्त पर दुनिया में कई ऐसे महान भविष्यवक्ता हुए हैं, शख्सियत हुए हैं, जिन्होंने धरती के विनाश की भविष्यवाणी की। इस वक्त तो देखिए एक बार फिर बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की एक भविष्यवाणी वायरल हो रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर ये पूछा जा रहा है कि भाई आखिर दुनिया के खत्म होने में अब कितने साल बचे हैं, और इसके जवाब में बाबा वेंगा की एक भविष्यवाणी ने हर जगह खलबली मचा दी। हम उन्हीं बाबा वेंगा की बात कर रहे हैं जिनकी मौत को 100 साल से भी ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन अपनी भविष्यवाणियों के चलते आज भी लोगों के जहन में वो जिंदा है। बाबा वेंगा ने देखिए दुनिया के खत्म होने से लेकर युद्ध और आपदा तक के लिए कई भविष्यवाणियां की, जिनमें से ज्यादातर सच भी हुई। हाल ही में देखिए उनकी सच हुई दो भविष्यवाणियां भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी। उन्होंने देखिए 100 साल पहले यूरोप में सूखे की समस्या की भविष्यवाणी की थी, और नतीजतन तमाम यूरोपीय देश सूखे की चपेट में दिखे। और इस साल देखिए पुर्तगाल और इटली में भी पानी की कमी देखी गई। पानी की खपत को लेकर बकायदा सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए थे। दूसरी भविष्यवाणी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया समेत एशिया में भयंकर बाढ़ आने की बात कही थी। और देखा जाए तो देखिए पहले ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ का कहर दिखा, और अब पाकिस्तान समेत भारत में भी बाढ़ से मची तबाही नजर आ रही है। और इसी तरह इस सृष्टि के नष्ट होने की भी भविष्यवाणी बाबा वेंगा ने की। जी हाँ, और इसको लेकर उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि साल 5079 को दुनिया का अंत होगा। जी हाँ, हालांकि पता नहीं कि उनकी ये बात कितनी सही होगी। बहरहाल बाबा वेंगा की तरह लियोनार्डो दा विंची की तरफ से भी महाप्रलय की भविष्यवाणी हो चुकी है। जी हाँ, अन्य भविष्यवक्ताओं के साथ ही लियोनार्डो दा विंची ने भी दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की। दा विंची के अनुसार देखिए दुनिया का अंत 4006 में एक वैश्विक बाढ़ में और सारी दुनिया का सफाया हो जाएगा। पेशे से देखिए दा विंची चित्रकार से लेकर इंजीनियर, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, गणितज्ञ और आविष्कारक थे। उन्होंने देखिए अपने ज्ञान और अनुभव के बल पर यह भविष्यवाणी की थी कि दुनिया के खत्म होने की शुरुआत वैश्विक बाढ़ से 21 मार्च 2006 से शुरू होगी, और 1 नवम्बर 2006 तक पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी, और इस तरह से दुनिया का खात्मा हो जाएगा। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस सर न्यूटन भी एक भविष्यवक्ता की भूमिका में कई बार आए, और उन्होंने ये कहा कि भाई सृष्टि के विनाश की उन्होंने भविष्यवाणी की है। उनका ये कहना था कि ये दुनिया 2060 में, यानी कि 2060 में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। खास बात यह है कि न्यूटन ने देखिए ये ऐसे नहीं कहा था, इसके पीछे भी एक फॉर्मूला दिया था। भविष्यवक्ता के अलावा देखिए बात अगर धर्म ग्रंथों में करें तो महाभारत में तो देखिए कलयुग के अंत में प्रलय का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत में देखिए उल्लेख ये मिलता है कि सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। तरुतक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी, और वर्षा पूरी तरह से बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। और इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। और इसी तरह कुरान में भी कयामत के दिन का जिक्र है। जी हाँ, कुरान में लिखा है कि कयामत का दिन कौन सा होगा इसकी जानकारी केवल अल्लाह को है। हदीस में जिक्र है कि जब कयामत आएगी तो सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम से निकलेगा, और आधा निकलने के बाद वो फिर पूर्व से निकलेगा। और इसको लेकर बाइबल ये कहती है कि एक दिन सारी धरती जलमग्न होने वाली है। तो कुछ इस तरह से देखिए वक्त वक्त पर इस सृष्टि के अंत की भविष्यवाणियां हमेशा से होती आई है। हालांकि देखिए इन भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई है, धरती के अंत की कहानी को आप कैसे देखते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।
नमः नमः ओम वर्णाश्रम परिष्टात्रे नमः। केरला में इंफ्रास्ट्रक्चर के लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर केरला में रोजगार के नए अवसर बनाएगा, खेती से लेकर उद्योगों तक उसको ऊर्जा देगा। गरीब, दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, आदिवासी सभी तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने की है। भारत अपनी ठोस नीतियों और निर्णयों के वजह से विश्व में स्थायित्व और विकास का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है।